एवरीथिंग लाइक जेई एडवांस अब ऑनलाइन हो गया, जेई मेन्स ऑनलाइन हो गया, सब ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं. तो द थिंग इज दैट द मोर यू आर गोना प्रैक्टिस ऑनलाइन इट्स गोना हेल्प यू अलॉट. लाइक इफ समवन इज नॉट प्रैक्टिसिंग, वो बस पेन पेपर एग्जाम दे रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका तो पेन एंड पेपर में इवेल्युएशन टाइम, मतलब यदि कहीं जमा हो रहा है, चेक हो रहा है, तो वो ज़्यादा हो जाता है. यहाँ पे इंस्टेंट हो जाता है मोस्टली ऑनलाइन में. तो और तुम्हारा बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है कि फिर तुम्हारे पास एक है ना कि तुम ऑनलाइन प्रिपेयर किए हो या प्रिपेयर फॉर द फाइनल कि जैसे होने वाले. बाकी लोग जो कर रहे होंगे वो मान लो पेन एंड पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें फिर अचानक ऑनलाइन स्विच करेंगे तो उनको बहुत एक बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ जाएगा, जो कि मतलब बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं. कैसे तुम एग्ज़ाम दोगे अभी, तो बस जैसे पेन एंड पेपर में क्या देख रहे, बस पेज स्वाइप कर रहे हो, ऐसे पलट रहे हो, जा रहे हो, उसी पे सॉल्व कर रहे हो. यहाँ पे इस तुम्हारा एक मेंटेन रहे कि तुम वहाँ पे क्वेश्चन देखते हो, उसको बनाते हो, फिर कैसे तुम पॉइंट नोट करे कि कौन क्वेश्चन पे जाना है, थिंग्स लाइक दैट. मतलब बहुत जो भी तुम्हारा स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हो वो पहले से टेस्ट देने लगे पहले से होगा. साइड से कि जितना हो सके ऑनलाइन प्रैक्टिस करो. ऑनलाइन का एक और तुम बेनिफिट देख सकते हो कि तुम्हारे तुरंत तुम जैसे ही दिए उसी ने तुमको पता चलेगा कि कौन कौन आंसर गलत है, सबके सॉल्यूशन पता चल गए. उससे क्या होगा कि तुम जैसे एग्जाम दे यू हैव द रिजल्ट, तुम उसके अनुसार कॉन्सेप्ट जान सकते हो कि कहाँ तुम वीक थे, किस पे तुमको और फोकस करना चाहिए. तुम उसके अनुसार फर्दर अपने आप को शेड्यूल कर सकते हो. और वही यदि कोई पेरेंट पेपर एग्जाम दे रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका अभी रिजल्ट दिया है, फिर कहीं से चेक होगा, OMR मैच होगा, फिर उसके बाद आएगा सॉल्यूशन आएगा, थिंक का डिलेड. और यहाँ पे मतलब तुम्हारा फिर बाद में छूट जाएगा यार कि कहाँ पे कैसे तुम एग्जाम दिए थे, क्या क्या. यहाँ पे जैसे एग्जाम दे रहे हो उसके तुरंत तुम एनालाइज कर लो, दैट्स द बेस्ट थिंग आउट ऑफ एग्जाम. और उसके उससे क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम होगा सेम क्वेश्चन पे यू परफॉर्म एक्चुअली बेटर, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू.